subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक इम्तियाज अली डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण को लेकर फिल्म रॉकस्टार बनाना चाहते थे। इम्तियाज अली ने रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी को लेकर सुपरहिट फिल्म रॉकस्टार बनाई थी। फिल्म रॉकस्टार के लिए नरगिस फाखरी नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण इम्तियाज अली की पहली चॉइस थी। इम्तियाज अली ने एक खूबसूरत नोट लिखा है। इम्तियाज ने दीपिका पादुकोण के साथ उनकी पहली मुलाकात का जिक्र भी अपने नोट में किया है। उन्होंने लिखा कि होटल के बरामदे में वह अपनी गाड़ी से उतरी और मेरी तरफ देखा। मैं तुरंत समझ गया कि यही वो लड़की है जिससे मैं मिलने आया हूँ। वो भी तुरंत ये बात समझ गई कि मैं ही वो निर्देशक हूँ जो उनसे मिलने आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी आंखें ऐसी थीं जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो समझ गई हैं। इम्तियाज ने नोट में लिखा कि तब तक दीपिका की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। मुझे उनसे रॉकस्टार के सिलसिले में मुलाकात करनी थी। मैं रॉकस्टार के लिए उन्हें चाहता था लेकिन फिल्म अगले कई साल तक तैयार नहीं हुई। मैंने बाकी फिल्मों में उनके साथ काम किया। बहुत सालों में बहुत जगहों पर बहुत चीजें हुई जिनमें से मैं शायद ज्यादातर को भूल गया हूँ, लेकिन मैं उस लड़की को कभी नहीं भूल सकता जो होटल में गाड़ी से उतरी थी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।